जय हिंद दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर पीवाईक्यू का क्या रोल होता है हमारी तैयारी के अंदर, आखिर क्यों हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें किस सोर्स का, किस मटेरियल का यूज करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आज के इस वीडियो के थ्रू मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की 5 बुक का जो सेट आता है उनका मैं करने वाला हूँ गिव अवे। तो अगर आपको भी ये बुक चाहिए तो आप भी वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर हमें पीवाईक्यू सॉल्व करने का क्या फायदा मिलता है। अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो इसके बहुत से फायदे हैं, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर कुछ बता देता हूँ। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली बेसिस पे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन का आइडिया लग जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, उस एग्जाम की डिमांड क्या है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद जब एक बार आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन का आइडिया लग जाता है तो आप उसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को करते हैं, उसी अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करते हैं। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरा, आपको ये पता चलेगा कि किस एरिया से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा एरिया कम इम्पॉर्टेंट, तो आप उसी अकॉर्डिंग अपने टाइम को जो है मैनेज कर पाएंगे। जो सब्जेक्ट ज्यादा पूछा जा रहा है, जिस सब्जेक्ट से, जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप उसको ज्यादा टाइम दीजिए, जिससे कम पूछा जा रहा है आप उसको कम टाइम दीजिए। तो ये दूसरा फायदा हुआ। तो जब आपको एक बार ये सब पता चल जाता है तो आपके पास एग्जाम पैटर्न का एक अच्छा आइडिया होता है, एग्जाम के सिलेबस का एक अच्छा आइडिया होता है। तो इसलिए भी हमें पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप पीवाईक्यू डेली बेसिस पे सॉल्व करते हैं तो आपके पास एक टाइम मैनेजमेंट का अच्छा सोर्स हो जाएगा। आपका जो टाइम है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैनेज हो जाएगा कि किस क्वेश्चन पे कितना टाइम चाहिए। जब आप ये क्वेश्चन डेली बेसिस पे सॉल्व करेंगे तो आप उसी अकॉर्डिंग अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप डेली बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है, कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। आपको पता होता है कि आप पहले बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए आपको उन क्वेश्चंस को देख के एग्जाम टाइम में प्रेशर फील नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किस रिसोर्स का यूज करना चाहिए, किस बुक का यूज करना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए हमारे पास मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल अवेलेबल है, पर मैं जिसको फॉलो करता हूँ वो दोस्तों ओसवाल बुक्स की तरफ से ऐसी 5 बुक की सेट आती है, जिसके अंदर आपका जो 3 बुक होता है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए होता है, 2 बुक जो होता है मॉक टेस्ट के लिए होता है। 3 बुक कौन सा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। दोस्तों, एक तो आपको 29 ईयर का यूपीएससी में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीलिम्स में, यूपीएससी के प्रीलिम्स में, प्रीवियस 29 ईयर में, इसका क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, इसका सॉल्यूशन भी आपको इसी बुक में देखने को मिल जाता है। अब इसका फायदा क्या होता है, इसके अंदर आपको जीएस और सीसेट दोनों देखने को मिलता है। और इससे भी अच्छी बात यह है कि ये सब आपको टॉपिक वाइज देखने को मिलते हैं, सारे क्वेश्चन जीएस के और सीसेट के आपको टॉपिक वाइज देखने को मिलेंगे, जिससे आप जो टॉपिक पढ़ें उसी टॉपिक से आप क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं। और इसकी एक निगेटिव पॉइंट ये है इन बुक्स की कि ये हिंदी में अवेलेबल नहीं, केवल आपको इंग्लिश में ही ये बुक देखने को मिलती है। तो ये तो बात हो गई 29 ईयर के प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर की। इसी तरीके से 10 ईयर का, लास्ट 10 ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया उसकी एक बुक आती है, इसके अंदर भी आपको सॉल्यूशन देखने को मिलता है। ये जीएस पेपर 1 का है, यानी जीएस पेपर 1 का ये है, जनरल स्टडीज का। इसी तरीके से जीएस पेपर 2 यानी सीसेट का भी बुक आता है, प्रीवियस 10 ईयर का सॉल्व क्वेश्चन पेपर, इसके अंदर आपको प्रीवियस 10 ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सब देखने को मिलते हैं। तो प्रीवियस 10 ईयर के सारे क्वेश्चन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यूपीएससी के लिए मॉक टेस्ट का भी इनका आता है, इसके अंदर आपको 15 मॉक टेस्ट देखने को मिलता है। मतलब कि फ्यूचर में जो आपकी बात क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस तरीके का पूछा जा सकता है, इसका एक लोग एजप्शन करते हैं और उसके बेस पे ये बुक बनाते हैं। इसके अंदर आपको 15 उस पेपर का सेट देखने को मिलेगा। तो आप चाहे तो ऐसा बुक परचेज करके इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ये तो जीएस पेपर 1 का था। इसी तरीके से जीएस पेपर 2 के लिए भी आता है ये मॉक टेस्ट का, इसके अंदर भी आपको 15 मॉक टेस्ट देखने को मिलते हैं। ये सीसेट का है और अच्छी बात यह है कि मेनली 2024 एग्जाम के लिए, जो लोग 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए एक बार हम इसको ओपन करके डिटेल में देख लेते हैं। साथ ही साथ मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोल रहा था कि आज के इस वीडियो के थ्रू मैं इन 5 बुक का गिव अवे करूंगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। ये वीडियो 11 लोगों के साथ शेयर करके हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। तो अगर आप भी विनर लिस्ट में आते हैं तो आपका नेम जो है नेक्स्ट संडे को अनाउंस कर दिया जाएगा। तो ये तो बात होगी कि आप भी गिव अवे में किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए एक बार इसको हम डिटेल में देखते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर क्या चीजें दी गई हैं।
तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस बुक का, जो 2029 का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया है इस बुक के अंदर आपको देखने को मिलती है। अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपको सारा क्वेश्चन जो है टॉपिक वाइज देखने को मिलता है, मतलब कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके अंदर कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं आप उस टॉपिक को सिलेक्ट कीजिए, उसके अंदर प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं सब आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे और उसका सॉल्यूशन भी आपको इसी के अंदर देखने को मिल जाएगा। मेनली 2024 एग्जाम के लिए है, मतलब कि जो लोग भी 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। इसके अंदर आपको प्रीवियस 29 ईयर के सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जीएस पेपर वन के अंदर 2023 से लेकर 1995 तक का सारा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। सीसाइड के अंदर 2023 से लेकर 2011 का सारा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। जैसा कि 2011 से सीसाइड आया है तो इसलिए जब से सीसाइड आया तब से आपको उसका सारा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, टॉपिक वाइज है, इसके अंदर आपको उसका सॉल्यूशन भी देखने को मिलता है। चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इंडेक्स देखने को मिलेगा। यूनिट ए में आपको हिस्ट्री का सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको एंशंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का सारा क्वेश्चन देखने को मिलता है। यूनिट बी में आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है। यूनिट सी में जियोग्राफी देखने को मिलता है। यूनिट डी में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी देखने को मिलता है। यूनिट ई में इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस देखने को मिलता है। यूनिट एफ में इकोनॉमी देखने को मिलता है। यूनिट जी में करंट अफेयर देखने को मिलता है और यूनिट एच में आपको सीसैट देखने को मिलता है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें इंडेक्स में आपको बताई गई हैं कि किस पेज नंबर से किस पेज नंबर तक कौन सा सब्जेक्ट आपको बताया गया है, तो वहाँ से आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को सिलेक्ट कीजिए, वहाँ से उसको देखिए कि प्रीवियस ईयर में कौन सा क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछा गया है। यहाँ पे आपको ट्रेंड एनालिसिस भी देखने को मिल जाता है, हिस्ट्री से किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर से कितना क्वेश्चन पूछा गया है किस ईयर में, मॉडर्न हिस्ट्री से, मिडिवल हिस्ट्री से, एंशंट हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, जियोग्राफी में किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, इसी तरीके से आपको सारे सब्जेक्ट का देखने को मिल जाता है। ये हो गया। अब थोड़ा सा आगे आप बढ़ेंगे, सबसे पहले आपको यूपीएससी का जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछा गया प्रीलिम्स के अंदर 2023 के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको एंशंट हिस्ट्री का क्वेश्चन देखने को मिलता है, उसके बाद आपको मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन देखने को मिलता है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन देखने को मिलता है, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन देखने को मिलता है, उसके जस्ट बाद आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन देखने को मिलता है, फिर जियोग्राफी का क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसी तरीके से आपको सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जब आप एक बार इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लें उसके बाद आपको सॉल्यूशन भी इसका देखने को आगे मिलता है। सॉल्यूशन किस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है, जो आप सॉल्यूशन पे आते हैं आंसर पे, तो एंशंट हिस्ट्री का जो पहला क्वेश्चन था उसमें बी वाला सही है। बी वाला क्यों सही है उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाता है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आंसर क्यों सही होगा और आपने क्या गलती की है, तो ये अच्छी बात है। इसी तरीके से आपको सीसाइड का भी जो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है वो देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा हम बात करते हैं कि इसके अंदर किस तरीके से और चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे पहले आपको एंशंट हिस्ट्री देखने को मिलता है, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक टॉपिक है, इससे कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, कौन कौन से ईयर में पूछा गया सब आपको देखने को मिल जाता है। वैदिक सिविलाइजेशन एक टॉपिक है, उससे कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, किस ईयर में पूछा गया आपको देखने को मिल जाएगा। जब आप क्वेश्चन पढ़ें, जब आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी वक्त आप इसको सॉल्व कीजिए, तो इससे आपको आइडिया होता है कि आपने कितना पढ़ा है, आपको अभी कितना और पढ़ने की ज़रूरत है, क्या आपने जो पढ़ा वो इफेक्टिव है भी कि नहीं है, एग्जाम में आपको हेल्प करेगा भी कि नहीं करेगा। इसी तरीके से इसके अंदर एक मगध इम्पार्ट एक टॉपिक है, वो आपको देखने को मिल जाता है, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं ये आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन आगे देख पाएंगे, जैसे आप ये सब सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे आपको आंसर देखने को मिलता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा और क्यों सही होगा, उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट का जो टॉपिक आप पढ़ रहे होंगे वो टॉपिक आप चूज कीजिए उस सब्जेक्ट के अंदर से, उसके बाद आप यहाँ से जो है उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि आपको ये पता चल जाए कि आप जो पढ़ रहे हैं वो कितना इफेक्टिव है, कि आप उनसे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं उस टॉपिक से कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको और पढ़ने की ज़रूरत है, अगर आप कर पा रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व तो इसका मतलब जो आपने पढ़ा है वो आपके लिए हेल्पफुल है। तो ये बात हो गया। तो इसी तरीके से ये वाला जो है इसके अंदर सारा क्वेश्चन दिया गया है। तो ये तो बात हमने देखा 29 ईयर का जो प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर है टॉपिक वाइज ये। अब इसी तरीके से आप प्रीवियस 10 ईयर का सॉल्व क्वेश्चन पेपर देखने को पाते हैं। इसके अंदर आपको लास्ट 10 ईयर में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसी तरीके से 2013 तक जो क्वेश्चन पूछा गया है आपको सब कुछ देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको इसके अंदर दो मॉक टेस्ट भी देखने को मिलता है, मॉक टेस्ट 1 एंड मॉक टेस्ट 2।
तो आप यहाँ से जो है इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ईयर वाइज आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा, क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो इससे आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एक अच्छा आइडिया लग जाएगा, तो आप उस तरीके से अपनी प्रैक्टिस को कर पाएंगे, अपने क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ये हो गया। इसी तरीके से आपको सी साइड का भी देखने को मिलता है, लास्ट 10 ईयर में जो जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके अंदर भी आपको उसी तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब एक बार हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। यूपीएससी का जो 15 मार्क टेस्ट वाला बुक है, इसके अंदर सबसे पहले हम GS Paper 1 वाला देखते हैं। तो GS Paper 1 वाला जब हम इसको देखते हैं, तो सबसे पहले तो ये 2024 एग्जाम के लिए है। इसके अंदर आपको 15 मार्क टेस्ट देखने को मिलता है। जब आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे इंडेक्स आपको सबसे पहले देखने को मिल जाता है, उसके बाद जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन किस तरीके से देखते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जो प्री का एग्जामिनेशन होगा 2023 में, सबसे पहले आपको उसका क्वेश्चन देखने को मिल जाता है इसके अंदर। ये तो स्टार्टिंग में आपको दिया गया है। तो जब आप एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा। सॉल्यूशन देखने के बाद आप नेक्स्ट देखेंगे, तो आपको नेक्स्ट 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए वो देखने को मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से वो भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आप उसका भी सॉल्यूशन यहाँ आगे देखने को पाते हैं। तो आपको दो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, 2023 के एंड 2022 का। इसके बाद आपको मॉक टेस्ट Paper 1 देखने को मिलता है, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार वो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। जब आप एक बार इसको सॉल्व कर लें तो आप उसके बाद चेक भी कर सकते हैं कि कौन सा आपको क्वेश्चन सही है, कौन सा नहीं सही है। इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको 15 मार्क टेस्ट दिए गए हैं, तो ये भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल ही है कि इस बार किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्पेन की टीम ने काफ़ी अच्छा वर्क करके रखा है, मैंने खुद इसको फॉलो किया है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। इसी तरीके से आपको GS Paper 2 यानी CSET के अंदर भी देखने को चीज़ें मिलती हैं। तो ये इन 5 बुक का एक मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया किस तरीके से आपको ये बुक देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी इसके बारे में आइडिया मिल पाए और वो भी गिव अवे में जो है पार्टिसिपेट कर पाएँ। और अगर आपको ये बुक परचेज करना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।